वेरी गुड इवनिंग ईयर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com, सभी चैनल दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फर्स्ट हरियाणा की टेक्निकल सोसाइटी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 3 तारीख को, तो आज मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कल मैंने इसकी पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ी समझा और आज मैं आपके साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्या है ये वीडियो? जेई मेंस देने के बाद जितने भी हमारे हरियाणा के विद्यार्थी है उस ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक आपने शेयर करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए बीटेक या बी आर्किटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको हरियाणा टेक्निकल सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके आवेदन कल से खुल जाएंगे। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी शेड्यूल तक मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये है हरियाणा टेक्निकल सोसाइटी की बीटेक के एडमिशन्स के लिए जिन्होंने जेई मेंस दे दी है। रिजल्ट्स की अवेटिंग ना करें, कल से फॉर्म भरना शुरू कर दें। इस साइट पे भी बहुत ज़्यादा लोड रहता है पॉलीटेक्निक फॉर्म्स के लिए। मैंने खुद पिछले साल कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैंने खुद भरने की कोशिश करी, तो प्रेफरेंसेस भी नहीं भरे जा रहे थे, बहुत दिक्कत आई। कई बच्चों के तो दो दो फॉर्म्स भरे थे, एक एक फॉर्म ही सबमिट हो गया। तो कल से खुल रहे हैं, तो अब बिल्कुल कम समय है, तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना करें, सभी को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि इसका लाभ उन तक पहुंचे। तो अब मैं सीधा लिए चल रहा हूँ टेक्निकल सोसाइटी। मैं साइट का नाम बता दूंगा, मैं आपको मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रैंक ऑफ जेई मेन्स 2021 बीटेक, इसमें कल से स्टार्ट हो जाएगी, 3 तारीख है और ये चलेगी सिर्फ 15 सितंबर तक। 15 सितंबर कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं, जो कश्मीर में रहते हैं, वो पढ़ने आना चाहते हैं हरियाणा में, उनका स्पेशल कोटा है, या हरियाणा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की जो है वो 4 तारीख से स्टार्ट होगी और उनकी उनकी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और उनकी जो है 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और 1 सितंबर को वो ख़त्म हो जाएगी। तो जेई मेंस की बात हम करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन, पे एप्लीकेशन फ़ी 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पर्टिकुलरली डिज़ाइन बाय द साइन, तो ये आपने 3 से 16 तारीख के बीच में, और डिक्लेरेशन ऑफ इंटर स्टेट मैरिट, ये आपकी जो है इसकी अभी मेरिट नहीं आएगी। डिपोजिशन ऑफ काउंसलिंग फ़ी 6-9 को करनी है, 6-9 को कर देनी है, बहुत ही मतलब कम समय है। और ऑनलाइन शेड्यूल जो है, फर्स्ट काउंसलिंग होगी 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक, और रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट 22 तारीख को शाम के 5 बजे, और ऑनलाइन ऑफलाइन रिपोर्टिंग एंड डिपोजिशन ऑफ टोकन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपी और 1,000 रुपये SC के लिए 24 से 28 तारीख तक, और अपडेट द वैकेंसी पोजीशन बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट 28 को, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ डेट ऑफ ऑल एडमिशन इज दी हुई है यहाँ पर हमारी 20 तारीख को। और सेकेंड जो काउंसलिंग होगी सभी कैटेगरी के लिए 30-9 से लेके 15 तारीख तक, और रिजल्ट आएगा 6 अक्टूबर को, और डिपोजिशन ऑफ फी है 7 को, और अपडेट जो वैकेंसी होगी 11-10 को, और सभी जो इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन क्लोज हो जाएगी 20-10 को, और फाइनल कट ऑफ डेट जो है 21 है, और नया सेशन जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेशन इज 25-10। तो ये पूरी डिटेल शेड्यूल है, और इसमें ऑनलाइन जो फीस है वो कश्मीरी माइग्रेंट EWS और टॉपर्स के लिए 200 रुपये है, और काउंसलिंग फ़ी सभी कैटेगरी के लिए कितनी है 500 रुपये। तो ये सिर्फ इतनी फीस आपको पे करनी है। तो ये आपकी पूरी डिटेल वीडियो है, अपडेट्स जो है मैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी डाल दूंगा,
तो अब टच में रहूँगा, आपको इसके बारे में बार बार बताता रहूँगा। ये मेरी आज पहली वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं हरियाणा के कॉलेजेस के अंदर, जो हमारे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं उनकी भी डिटेल में आगे बताऊँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। तो इस वीडियो को आपने मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना है, क्योंकि जो हरियाणा के बच्चे हैं मेरे, हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, तो जो बीटेक करना चाहते हैं जेईई मेंस के बेसिस पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो उनका एडमिशन टेक्निकल सोसाइटी के थ्रू होना। जो NITs हैं उसका तो अलग होता है, उसका तो नाटा ही करता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है जोसा की, तो वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। काफ़ी जो मेरे व्यूज़ हैं पूछते रहते हैं, तो उनके साथ सारी मैं कवरेज करने की कोशिश करूँगा। PU की आज मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें। और PU की और जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपके तक शेयर करता रहूँगा। एडमिशन का प्रोसेस है जो आपके साथ ये चैनल चलता रहेगा। तो इसी के साथ ही थैंक यू, शुभ रात्रि, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।